नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार 90s यूट्यूब टेक्निकल स्टार्टअप में। यहाँ पर दोस्तों बिजनेस के बारे में और प्रिंटिंग प्रोडक्ट्स के बारे में और सब्लिमेशन प्रिंटिंग के बारे में, जो कि नॉर्मली हम सपोर्ट करते हैं सब्लिमेशन प्रिंटिंग और उसके स्टार्टअप के बारे में, जो कि परफेक्टली ट्रेनिंग देते हैं, जो प्रोवाइड कराते हैं यहाँ पर, जहाँ आप हमेशा आप कभी आए भी होंगे। बट ये वीडियो के थ्रू हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो हम प्रोसेस अभी कर रहे थे इसके पिछले वीडियो में, जो हमने आपको बताया मग के बारे में, उसके प्रिंटिंग प्रोसेस के बारे में और उस मशीन्स के बारे में जिसके थ्रू हमने प्रिंट किया, तो उसी के थ्रू हम आपको और एक जो मग जिसकी वैरायटीज़ के मैं बारे में बता रहा था आपको, कि मग्स की बहुत सारे वैरायटीज़ हैं और मग्स की वैरायटीज़ में जो एक मैजिक मग है, जो कि मैजिक क्यों बोलते हैं वो मैंने बताया था आपको कि मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। तो ये वो वीडियो है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा मैजिक मग के बारे में। और मैजिक मग में मैजिक मग की खासियत यह है कि मैजिक मग जो होता है, जैसे कि मैंने ये मैजिक मग अभी प्रिंट किया है, तो इस मैजिक मग में जो कलर होता है ये एक्चुअली रेड कलर का था। ये मैजिक मग जो रेड कलर का था, ये प्रिंट करने के टाइम, प्रिंट करने के बाद इसकी जो प्रिंट होती है ये परफेक्टली इसके ऊपर इस तरह से आपको दिखेगी। बट ये मैजिक कब होगी, मैजिक कब होगी, मैजिक तो तभी होगी ना जब आपको प्रिंट कहीं छुप जाएगा, फिर आप कुछ करोगे तो कुछ ऐसा कुछ हो जैसे कि मैजिक दिखे आपको, तो मैजिक तभी होगा दोस्तों। ये जो रेड कलर था इसमें मैजिक पूरा प्रिंट, ये पूरा प्रिंट आपको जो दिख रहा है अभी, क्योंकि ये हॉट है, ये गर्म है अभी, ये पूरा जो मशीन से अभी मैंने निकाला तो ये पूरा गर्म है। और ये जब ठंडा होगा तो क्या होगा, ये अपने जो इसका जो ओरिजिनल कलर था जो कि रेड था, वो कम्प्लीटली फिर से रेड हो जाएगा। तो हम इसको आपके सामने भी ठंडा भी करके दिखाएंगे कि ये रेड जो कलर था ये फिर से अपने पुराने रेड कलर में आ जाएगा। तो इसमें हम पानी, जो बॉटल्स में आप जो पानी देख रहे हैं, तो हम इसे आपको डालेंगे इसमें, देखिए आपके सामने अभी, और थोड़ी देर के बाद हम आपको अभी प्रिंट करके भी दिखाएंगे दूसरे मग को, उसके ऊपर के प्रिंट को। तब तक ये आपका जो पानी मग है ये ठंडा भी हो जाएगा और आपका जो कलर जो हम दिखाना चाहते हैं आपको वो भी आप कम्प्लीटली देख लोगे। तो धीरे धीरे में आप वीडियो में देखते रहिएगा कि इसकी जो कलर्स है वो आपकी रेड कलर वापस से इसमें आपको दिखेगी। तब तक हम आपको मग की जो प्रिंटिंग दूसरे मैजिक मग की, वो भी रेड कलर का ही है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसके ऊपर मैंने प्रिंट सेट किया हुआ है, अब जैसे ही ये कम्प्लीटली आप देख सकते हो इसकी पूरा रेड है एरिया, ये एरिया ऊपर से नीचे तक पूरा रेड है। और जहाँ तक जो हम प्रिंट करेंगे, क्योंकि ये हीट हो जाएगा तो ये क्या होगा वाइट, और इसकी जो प्रिंट है वो आपको सामने नजर आएगी। तो इसके लिए क्या है, इसकी जो डायमेंशन है ये थोड़ी सी ज़्यादा है उस मग के कंपेरिजन में। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें यहाँ पर जो मशीन की ये जो एडजस्टमेंट थोड़ी सी करनी होती है, जहाँ पर कि ये एडजस्टमेंट है ये हमें थोड़ी सी इसको लूज करनी होगी, ताकि ये इसकी जो पकड़ है वो थोड़ी सी कम हो जाए। ये देखें, ये हमने कर दिया एडजस्टमेंट, और अब हम इसे पैड में सही से प्लेस करेंगे। और यहाँ पर भी हम प्रेशर को चेक करेंगे, प्रेशर सही है कि नहीं, तो ये ज़्यादा है प्रेशर अभी, तो इसे हम फिर से थोड़ा सा ये कंप्लीट है। अब हम इसे प्लेस करेंगे, तो यही हमको ध्यान में रखना होता है, क्योंकि मग के जो डायमेंशन होते हैं अलग अलग होते हैं, और इन्हें जब हम ये प्रेस कर रहे होते हैं तो ये टूटने का जो डर होता है वो हमें, तो ये हमें एडजस्टमेंट और करना होगा इसके लिए। अब ये कंप्लीट, इसकी पकड़ आ चुकी है, ये सही है। अब इसमें ये जो टाइमिंग होगा 3 मिनट का समय लगेगा, 180 सेकंड्स का, और ये कंप्लीट हो जाएगा इसकी प्रिंटिंग भी। और तब आप देख, तब तक आप देखिए जो मैं आपको बताना चाहता था इस वीडियो में, जो ये शो हो रहा है, तो इसमें जैसे मैं बताया था आपको कि जो मग की जो कलर है ओरिजिनल कलर जो है ये रेड, ये आपको यहाँ पर उभर के सामने, जैसे जैसे ये ठंडा होगा ये आपको सामने यहाँ पर आप देख सकते हो ये रेड की कलर जो, ये कंप्लीट अपने उसी कलर में वापस से आपको दिखेगा। और जैसे ही आप कोई भी गर्म चीज़ डालते हो, जैसे पानी कॉफ़ी, तब आपका जो प्रिंट है वो उभर के ऊपर आएगा।
तो यही मैं बताना चाहता था इस वीडियो के थ्रू कि जो पहले हमने बताया वो वाइट मग के ऊपर बताया, सिंपल जो प्रोसेस आपका सारे मग के लिए सेम होते हैं, और जो एडजस्टमेंट करने होते हैं वो सारे एडजस्टमेंट वो आपको करने हैं। तो इसी तरह से ये सारे मग्स भी हम प्रिंट कर सकते हैं इसको पूरा कंप्लीट। तो आपको हम वीडियो में ऐसे ही बताते रहेंगे प्रिंटिंग के बारे में, कैसे प्रिंटिंग होगी हर एक मग के बारे में। तो ये जो डिजाइन्स आप देख रहे हैं मग्स की, सारे जो कॉनिकल मग है, इसे हम कॉनिकल मग कहते हैं, और इसकी जो अटैचमेंट होती है, ये अटैचमेंट ही हमको चेंज करनी होती है। तो इसमें देखिए जैसे अटैचमेंट है बहुत सारे, ये जो इसी की मैं बात कर रहा था, जो कि हमको वहाँ पर मशीन में